हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका प्रकाशिक तंतु। तो क्या होता है प्रकाशिक तंतु, किस उपयोग में आता है, सिद्धांत क्या होता है, रचना क्या होती है और क्रियाविधि या कार्यविधि क्या होती है, सब कुछ वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो पहले बात कर ले प्रकाशिक तंतु क्या होता है। यह एक ऐसा संयंत्र या मशीन होती है जिसके द्वारा प्रकाश के मान में बिना कोई परिवर्तन किए हुए कहीं भी चला सकते हैं, देख सकते हैं। हम मान लीजिए प्रकाश का मान कितना है, 10 है, तो हम प्रकाश के मान को ना घटाएं ना बढ़ाएं, ना 12 करें ना 8 करें, ठीक 10 है तो 10 ही रहने दें। यह एक ऐसा संयंत्र होता है जिसके द्वारा प्रकाश के मान में बिना कोई परिवर्तन किए हुए टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भी प्रकाश सिग्नल को भेज सकते हैं। किसके द्वारा, प्रकाशिक तंतु के द्वारा। तो वो क्या कहलाएगा, प्रकाशिक तंतु। आप जानते हैं प्रकाश क्या करता है, प्रकाश सीधी दिशा में चलता है, लेकिन जब हम इसका मार्ग क्या कर दें, दुर्गम कर दें। दुर्गम कैसे, यानी टेढ़ा मेढ़ा हो कोई रास्ता, या टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी ले ले, पाइप ले ले, कुछ भी ले ले, ठीक है। तो यह एक ऐसा संयंत्र होता है जिसके द्वारा प्रकाश के मान में बिना कोई परिवर्तन किए हुए टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भी प्रकाश सिग्नलों को भेजा जा सकता है। तो किसके द्वारा भेजा जा सकता है, प्रकाशिक तंतु के द्वारा भेजा जा सकता है। तो समझ में आया प्रकाशिक तंतु क्या होता है, ठीक है। तो अगर समझ में आया है तो आगे चलिए सिद्धांत, रचना और क्रियाविधि देख लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक क्रोड है। ये क्या है, एक बेलनाकार क्रोड, जो कि किसकी होती है, सिलिका की ले सकते हैं, हम प्लास्टिक की ले सकते हैं या ठोस कांच की ले सकते हैं, ठीक है। आप किसी की भी क्रोड यूज में ला सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, एक क्रोड होती है, जैसे हमने अभी तक के जो डेरिवेशन बताए हैं कि उसमें एक लोहे की क्रोड ली, तांबे का तार लपेटा, ठीक है। तो वही काम इसमें, हमने मान लीजिए कि भाई सिलिका की एक ठोस क्रोड है, इसके ऊपर हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने किया, इस पे क्लैडिंग लगा दी। क्लैडिंग क्या होती है, मान लीजिए कोई डिब्बी है, उस पे हमने क्या किया, एक नली है, उसको हमने डिब्बी के अंदर भर दिया, और डिब्बी भाई ख़राब ना हो जाए, सीलन ना आ जाए, तो इसके लिए उसमें क्या कर दिया, कवर लगा दिया। जैसे कि हम मोबाइल में लगाते हैं, अपने मोबाइल में कवर लगाते हैं कि मोबाइल में क्या हो, स्क्रैच ना आ जाए, ख़राब ना हो जाए, ठीक है, इस कारण से। तो देख सकते हैं आप, पहले होती है प्रिज्म, इसकी क्रोड होती है किसकी, सिलिका की, प्लास्टिक की, आप किसी भी चीज़ की ले सकते हैं, ठीक है, क्रोड है, और उसके ऊपर हम क्लैडिंग लगा देते हैं। क्लैडिंग यानी कि मान लीजिए आप डिब्बी लेके चलिए, डिब्बी के अंदर हम इस क्रोड को घुसेड़ देते हैं, घुसा दिया हमने, ठीक, और इसके ऊपर लगा दिया सुरक्षा कवच यानी कवर लगा दिया। तो इसमें होता क्या है, एक लचीला पाइप मुड़ा मुड़ा सा होता है, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लेना है, प्रकाशिक तंतु टेढ़े मेढ़े रास्तों पे ही तो काम करता है। तो ये क्या हो गया, आगे का जो हिस्सा है बेलनाकार, ये जो गोलाकार, उसे वहाँ पे उसके अंदर क्या होती है, क्रोड होती है, ठीक। और ये क्या है, ये जो पाइप है ये क्या काम कर रहा है, क्लैडिंग का काम कर रहा है, और इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, कवर लगा देते हैं, जिसको कहते हैं सुरक्षा कवच। ये क्या होता है, कवर होता है, ठीक है, ये है आपकी क्लैडिंग, ये क्या है, क्लैडिंग है, ठीक। तो सिंपल आपको यही समझना कि एक हमने क्रोड ली है, ठीक है, जिसके ऊपर क्लैडिंग लगाई, या पाइप, एक लचीला पाइप है जो कि क्लैडिंग का काम कर रहा है, जो आगे का हिस्सा है जहां से प्रकाश को जाना है वो क्रोड का काम करता है, इसके ऊपर हमें कवर लगा देते हैं, इतना सा है, ठीक। अब आप जानते हैं कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो कैसा होता है, अगर माध्यम बाहर विरल है, सघन माध्यम में प्रकाश को जाना है, तो वो अभिलंब की ओर झुकती है, झुकती है ना, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में चलता है तो अभिलंब की ओर झुकता है, और सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है, क्लियर है ना, पहले भी हमने कई सारे वीडियो में देखा है, ठीक। तो होता क्या है, अगर हम कह दें कि जो आपतित किरण का जो अपवर्तन कोण है उसका मान क्रांतिक कोण से हम अधिक कर दें, क्रांतिक कोण से अधिक कर दें, जो आपतित प्रकाश किरण का जो आपतन कोण होता है उसका मान क्रांतिक कोण से बढ़ा दें, तो क्या हो जाएगा कि प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस आ जाती है, और इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, क्लियर है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब प्रकाश
का मान प्रकाश के आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश उसी माध्यम में लौट आता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे है क्रोड, इस पे लगा एक क्लैडिंग और ऊपर लगा दिया सुरक्षा कवच, ठीक, लचीला पाइप है। अब इसमें प्रकाश कैसे जाएगा तो चलिए देख लेते हैं। हमने भेजा एक प्रकाश और यहाँ पे मान लीजिए जहां जहां पे रास्ता, ये जो मान लीजिए कोई रास्ता है टेढ़ा मेढ़ा सा रास्ता है, जहां जहां पे रास्ता देख सकते हैं आप जो पाइप की ऊंचाई है वहां पे हमने एक अभिलंब ले लिया, जहां पे पाइप थोड़ा झुक रहा है वहां भी रास्ता चेंज होगा तो वहां पे भी अभिलंब, इसी प्रकार हम जहां जहां पे रास्ता बदल रहा है वहां अभिलंब खींच देते हैं। यहाँ प्रकाश किरण गई जब अभिलंब से टकराई, बाहर है भाई विरल माध्यम, अंदर क्या होगा, अंदर है सख्त सघन माध्यम है, तो जब अंदर टकराएगी अभिलंब से, वायु से जा रही विरल माध्यम से सघन में जाएगी तो अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, नीचे झुक जाएगी, क्योंकि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है तो प्रकाश क्या होगा उसी माध्यम में लौट आएगा। फिर क्या होगा, उसी माध्यम में लौट आया, एक बार फिर से वो उठने की कोशिश करेगा क्योंकि प्रकाश को कहाँ जाना है, आगे जाना है, मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, फिर आगे जाना है, फिर आगे क्या हुआ वो अभिलंब से टकरा गया, फिर क्या हुआ भाई सघन से विरल में जा रहा है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है, फिर से वापस आ गया उसी माध्यम में। इसी प्रकार इसका क्या होता है, प्रकाश का बार बार अभिलंब से टकराता है, बार बार मतलब जहाँ पे रास्तों में क्या हो रही ऊंचाई आ जाती है या कहीं पे कमी आ जाती है, ऊंचा खाल जैसे भी आप दौड़ रहे हो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो तो आप टकरा जाते हैं, ठीक है। प्रकाश का काम भी वही हो रहा है, देख सकते हैं आप ये एक अभिलंब है MN। जब प्रकाश, जब मान लेते हैं प्रकाश किरण जा रही है अभिलंब से टकराई तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है तो प्रकाश उसी माध्यम में लौट आएगा, एक बार फिर से वो उठने की कोशिश करेगा और जहां पे रास्ता बदल रहा है टेढ़ा मेढ़ा है ना, तो जहां पे रास्ता बदल रहा है तो वहां पे फिर अभिलंब से टकराया, फिर उसी माध्यम में लौट आया क्योंकि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है, एक बार फिर से प्रकाश उठा और अभिलंब से टकराया, फिर उसी माध्यम में लौट आया क्योंकि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है। ये घटना बार बार चलती रहेगी और यह तब तक होगा जब तक कि मार्ग का दूसरा हिस्सा नहीं आ जाता और वहां से प्रकाश भाग लेगा, ठीक। अब सिद्धांत की बात कर लें तो इसका सिद्धांत क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे ये कार्य करती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है भैया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये होता है कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण के मान को जब हम क्रांतिक कोण से अधिक कर देते हैं तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में लौट आती है और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करती है। देख सकते हैं आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, जब प्रकाश किरण गई और उसका मान क्रांतिक कोण से अधिक है तो वो उसी माध्यम में लौट आएगी, यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अब बात करें रचना की तो इसमें एक क्या होती है, हमने ली है सिलिका की क्रोड ली है जिसको सिलिका की क्रोड ली, ये पहले आप क्रोड समझिए, ठोस क्रोड है, सिलिका की है जिसका जो अपवर्तनांक है कितना है, n इज इक्वल टू 1.5, 1.5 इस सिलिका की क्रोड है। देख सकते हैं आप ये क्या है, हमने एक मार्कर लिया है, इसके अंदर जो स्याही है, स्याही इंक है ना, ये मान लीजिए क्रोड है, ठोस क्रोड है, ठीक। इसको हमने कहाँ पे भर दिया भाई, ये जो मार्कर है एक खोल है, ठीक, खोल यानी डिब्बी। अब इस स्याही को हम क्या कर देंगे, इसके अंदर भर देंगे, ये है सिलिका की मान लीजिए क्रोड, ठीक, स्याही क्या है, इंक, एक सिलिका की क्रोड है। अब इसको हमने कहाँ भर दिया, क्लैडिंग में, मान लीजिए हमने क्लैडिंग में भर दिया, ठीक, क्लैडिंग में भर दिया। अब इसमें सीलन ना आ जाए या कुछ भी खराबी ना आ जाए तो इस पर हम क्या कर दें, मान लीजिए कोई कपड़े का कवर इसमें पहना दे इस मार्कर में, ठीक है। जैसे हम लोग ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं, स्वेटर पहनते हैं, मोबाइल में कवर लगाते हैं, तो सेम इसमें भी हम क्या कर दें, कवर लगा दें। मान लीजिए जो मार्कर का कैप है इसको हमने कवर से पहना दिया, घुस तो रहा नहीं है, ठीक है, आप समझ लीजिए कि हमने इसको कवर से पहना दिया तो ये क्या काम करेगा, सुरक्षा कवच का काम करेगा। क्रोड समझा, जो इंक की स्याही थी उसको हमने क्लैडिंग में भर दिया यानी मार्कर के खाली डिब्बी में भर दिया और सुरक्षा कवच लगा दिया, तो वही काम यहाँ पे भी है। इसमें एक सिलिका की क्रोड लगी है जिसके ऊपर क्लैडिंग की परत चढ़ी है, यानी हमने क्या किया, क्रोड को उठा के क्लैडिंग की डिब्बी में भर दिया, इतना सा काम है, ठीक, जिसके ऊपर क्लैडिंग की परत चढ़ी है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। जो क्रोड है सिलिका की उसका अपवर्तनांक 1.5 है और क्लैडिंग में हम क्या करते हैं, उससे भी कम, जितना क्रोड है उससे भी कम अपवर्तनांक लेते हैं, 1.48 हमने लिया है, ठीक। फिर उसके ऊपर कवर लगा लेते हैं ताकि खराब ना हो जाए। अब बात करें क्रियाविधि की, जब प्रकाश किरण तंतु में आपतित होती है, जब प्रकाश किरण तंतु में आपतित होती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने के कारण
किरण उसी दिशा में लौट आती। देखा ना आपने कि प्रकाश किरण गई और जब रास्ता बदल रहा था तो वहां पे अविलंब से टकराई और उसी माध्यम में वापस लौट आई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है, इसीलिए प्रकाश किरण उसी माध्यम में लौट आई। इस घटना को पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। एक बार फिर प्रकाश किरण उठी और जहां से रास्ता बदल रहा था वहां पे गई और चूंकि क्या है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है, उसी माध्यम में लौट आई। ये क्रिया बार बार होगी, लगातार होगी, और ऐसा कब तक होगा? जब तक इस लचीले पाइप का रास्ता खत्म नहीं हो जाता, तब तक इसमें क्या होगा, प्रकाश जाएगा वापस आएगा, जाएगा वापस आएगा, बार बार अपवर्तन होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, जब प्रकाश किरण तंतु में आपतित होती तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने के कारण किरण उसी दिशा में लौट आती है और इस क्यों और उसका बार बार अपवर्तन होता है। इस यह क्रिया निरंतर चलती रहती है जब तक कि प्रकाश किरण तंतु से बाहर निकल ना जाए। तो ये था इसका सिद्धांत, रचना और क्रिया विधि। आई होप आपको समझ में आई। तो चलिए उपयोग जान लेते हैं कि प्रकाशिक तंतु का उपयोग किस किस चीज में होता है। प्रकाशिक सिग्नल भेजने में, जैसा कि आपको पता है कि प्रकाशिक तंतु का काम प्रकाश सिग्नल भेजने में भी होता है, और दूसरा किस में होता है, शरीर में, हमारी बॉडी में लेजर किरणों को भेजने में। हमारी भाई काफी लोग क्या होते हैं, लेजर थेरेपी कराते हैं ताकि उनके शरीर में बाल ना उगे, तो लेजर थेरेपी क्या होते हैं, बाल गायब हो जाते हैं। काफी सारी थेरेपी में लेजर उपयोग में आती है। ठीक है, थर्ड होता है आपका प्रकाशिक जांच में, कोई भी जैसे शरीर में मतलब कि जैसे दांत चेक करना है और क्या हो गया आपकी जैसे आंख चेक करना है, तो उसके लिए लाइट फोकस मारते हैं ना, तो ये प्रकाशिक तंतु के उसमें काम आता है। ठीक, प्रकाशिक सिग्नल भेजने में, शरीर में लेजर किरणों को भेजने में, प्रकाशिक जांच में, विद्युत सिग्नलों को प्रकाशिक सिग्नलों में कन्वर्ट करने में। ठीक है, तो आई होप आपको प्रकाशिक तंतु समझ में आया, रचना क्रिया सिद्धांत सब समझ में आया। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें।